नमस्कार, चराहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 मई, दिन हो गया है आज रविवार का। आइए जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है, कब शुभ मुहूर्त लग रहा है, कब अशुभ मुहूर्त लगेगा, कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सा सन चल रहा है। आइए जान लेते हैं चंद्रमास एवं संवत के बारे में, नक्षत्र एवं राशि के बारे में, ऋतुओं के बारे में, अयन के बारे में। आइए जानते हैं विस्तार से। आज हो गई है 10 मई, दिन है आज रविवार का। आज सूर्योदय सुबह 5:30 बजे होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 7:02 पर होगा। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि चल रही है, जो कि सुबह 8:04 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा। नक्षत्र मूल नक्षत्र है, योग शिव योग है, करण विष्टिकरण सुबह 8:04 तक, उसके बाद वव करण लगेगा। रविवार का दिन है। शक संवत 1942, विक्रम संवत 2077। सूर्य नक्षत्र राशि के बारे जानते हैं। सूर्य राशि मेष और चंद्र राशि धनु है, वहीं सूर्य नक्षत्र भरणी नक्षत्र चल रहा है। दृक ऋतु ग्रीष्म चल रही है, दृक अयन उत्तरायण है। आइए जानते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त। आज का जो शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त है, यह वह मुहूर्त होता है जिसमें हम अपने सभी शुभ कार्य कर सकते हैं ताकि वह सफल हो। आज का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 11:51 से प्रारंभ होकर 12:45 तक है। इस दौरान आप अपने सभी शुभ कार्य कर लें। आज सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह के 5:30 से प्रारंभ होकर 4:13 तक 11 मई तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से लेकर 3:26 तक, गोधूलि मुहूर्त 6:49 से 7:13 तक। आइए अब जान लेते हैं आज का अशुभ काल। आज का जो राहु काल है वह 5:21 से प्रारंभ होकर 7:02 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, कोई भी शुभ कार्य इस दौरान ना करें। तो ये था आज का राहु काल। आज हमने जाना 10 मई का शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त। आज के दिन एक दंत संकष्टी चतुर्थी भी। तो हमें उम्मीद है कि आज का ये पंचांग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आज का पंचांग आपको पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें। यदि आप रोजाना पंचांग और ज्योतिष संबंधित एवं वास्तु संबंधित वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रोजाना ज्योतिष से संबंधित वीडियोस को देख सकें। और यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।